What's up guys? I hope you are doing well. I am Veer. Welcome to Stella Family. तो कैसे हो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। इस महीने का ये आखिरी दिन है, देखते ही देखते पूरा महीना गुजर गया। एक नया साल आप लोगों के लिए स्टार्ट हुआ था और उस साल का आप लोगों के 31 दिन जो है वो लगभग कंप्लीट हो जाएंगे आज शाम तक। तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं कि जो एक एक करके सारे दिन आप लोगों की लाइफ में से चले जाते हैं, पर लेकिन जो दिन आप लोग ढंग से यूटिलाइज करते हैं वो कुछ अच्छा चेंज करके जाते हैं आप लोग की लाइफ में। और अगर जो दिन वैसे गुजर जाते हैं तो बस कैलेंडर में एक डेट चेंज हो जाती है और नेक्स्ट डेट आ जाती है। आप लोग की लाइफ में क्या कैलेंडर में वो डेट चेंज हो रही है या फिर रियलिटी में आप लोग लाइफ में कुछ अचीव कर रहे हैं, तो ये आप लोगों को एक बार रुक कर सोचना पड़ेगा। अगर ये डेट चेंज हो रही है, डेली एक नई डेट आप लोगों की लाइफ में आ रही है और वो भी ऐसे ही चली जा रही है जैसे पुरानी डेट गई, पुराना दिन गया, पुराना महीना गया, पुराना साल गया, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो गलत कर रहे हो। आप लोगों को रुक कर एक बार सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि वो गलती कहाँ है। अगर वो गलती आप लोग काउंट किए बिना, वो गलती आप लोग चेक किए बिना, उस गलती को आप लोग ढंग से टटोले बिना अगर ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे तो हर एक साल आप लोगों के लिए ऐसे ही निकलता चला जाएगा। और फिर जब आप लोग अपनी जिंदगी की जो दौड़ होगी, अपनी जिंदगी की जो रेस होगी, जो एक हसीन जिंदगी आप लोग यहाँ पर जीने आए थे, उस जिंदगी को जब आखिरी पड़ाव में आप लोग देखोगे तो आप लोगों को बड़ा ही पछतावा होगा कि यार क्या यही जिंदगी जीने के लिए हम लोग यहाँ पर आए थे। अगर वो पछतावा आप लोग नहीं चाहते हैं, एट द एंड ऑफ द डे आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों की जो लाइफ है वो ऐसी रही जैसी आप लोगों ने सोची थी, तो सोच के विचार अपनी सोच को ढालना स्टार्ट कीजिए। अगर आप लोग आज से उस पर कोई इम्पैक्ट डालना स्टार्ट नहीं करेंगे, कोई काम करना स्टार्ट नहीं करेंगे, तो वो ऐसे ही चलती रहेगी और ये दिन चेंज होते रहेंगे। इसलिए मैं आप लोगों को हमेशा बोलता हूँ कि जहां पर भी आप लोगों को टाइम मिले वहां पर रुकिए, सोचिए, समझिए और उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालने की कोशिश कीजिए जो आप लोगों के सामने है। चिंता मत कीजिए, चिंता देखिए अगर लाइफ का पार्ट न होती तो इंसान काम न करता। इंसान के लाइफ में, हर एक इंसान की लाइफ में चिंता होती है, पर लेकिन सही मुकाम पर वही इंसान पहुंचता है जो उस चिंता को चिता में नहीं कन्वर्ट होने देता है। हर एक इंसान की लाइफ में चिंता होती है, पर लेकिन कुछ की लाइफ में वो चिता बन जाती है जिसमें वो बैठकर अपनी जिंदगी को भस्म कर लेते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उस चिंता से सही सॉल्यूशन निकालकर उसको चैलेंज की तरीके से लेकर एक सही पैटर्न में अपनी लाइफ को ढाल देता है। अब ये करने के लिए थोड़ी सी हिम्मत चाहिएगी। अगर हिम्मत नहीं चाहती तो हर कोई कर लेता। तो बिल्कुल आप लोग यही बोल सकते हैं कि जो इंसान अगर किसी प्रॉब्लम को फेस कर रहा है और वहां पर रुक कर उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल रहा है और सॉल्यूशन निकालने के बाद में आगे बढ़ रहा है, तो हर एक दिन आप लोग कुछ न कुछ नया सिखाने को देगा। पर लेकिन अगर आप लोगों ने टेंडेंसी ये पाल ली है कि यार आज का दिन नहीं कल करेंगे और कल का दिन नहीं परसों करेंगे और चीजों को टालना मटोलना स्टार्ट कर दिया है, तो यार कोई भी आप लोगों को नहीं सुधार सकता। ओनली आप ही लोग हो जो उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल सकते हैं। तो ये बात जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, इनका बेसिक पर्पज बस ये छोटा सा है कि जहां पर भी आप लोगों को लगे कि आप लोगों की लाइफ में कोई चिंता आ रही है, जहां पर भी आप लोगों को लगे कोई टेंशन आ रही है, तो इसका मतलब ये कि कुछ ऐसा आ रहा है जो नॉर्मल पैटर्न से कुछ हटके है, कुछ ऐसा आ रहा है जो आज तक आप लोगों की लाइफ में नहीं हुआ है, कुछ ऐसा आ रहा है जो आप लोगों को चेंज करने की कोशिश कर रहा है, इसीलिए आप लोगों के दिमाग में उसको लेकर चिंता हो रही है। और वो चिंता अगर आप लोगों के ऊपर इतनी हावी हो गई कि आप लोग सॉल्यूशन नहीं निकाल पाए तो जिंदगी खराब हो जाएगी। अगर वो चिंता एक ऐसी चिंता में कन्वर्ट हो गई कि कुछ सिखा के चली गई तो लाइफ वहीं से प्रोडक्टिव होना स्टार्ट हो जाएगी। तो आज से नहीं अभी से आप लोगों को डिसीजन लेना है कि लाइफ में जो भी प्रॉब्लम आप लोगों के सामने आएगी रुक कर आप लोग उसका सॉल्यूशन निकालेंगे और सॉल्यूशन निकालकर आगे बढ़ेंगे, तभी आप लोग लाइफ में इन चिंताओं से ऊपर उठेंगे और तभी लाइफ में आप लोग एक सही गोल को अचीव कर पाएंगे। और नहीं यकीन आता है तो आज से इसको इंप्लीमेंट कर देखिए और जब चेंज होने लगे तब आकर बोलना कि हाँ सर कुछ बात बोली थी आपने।